Welcome to my next lecture where we are going to study shape of liquid drop. वैसे तो liquid drop का shape जो है वो spherical होता है और इसका reason मैंने पहले lecture में दिया है. Surface tension is the property by virtue of which liquid try to squeeze itself, minimize its surface area. तो surface area सबसे कम sphere का होता है, तो liquid drop का जो shape है वो same sphere की तरह. बट कभी सोचा है कि लिक्विड ड्रॉप को अगर मैंने सॉलिड पे डाल दिया, किसी सॉलिड सरफेस पर रखा तो कौन सा शेप मिलेगा, फिर वो कौन सा शेप गेन करेगा. लेट अस अंडरस्टैंड शेप ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप व्हेन इट इज ऑन ए सॉलिड सरफेस. ठीक है बच्चों, तो चलो चालू करते हैं. अभी सॉलिड सरफेस पे आप एक लिक्विड थोड़ा सा डाल दोगे तो आइदर वो स्प्रेड हो जाएगा या फिर ड्रॉप के फॉर्म में होगा. तो स्प्रेड हो जाएगा, ड्रॉप फॉर्म होगा. लेट अस अंडरस्टैंड दिस. सबसे पहले बच्चों एक सॉलिड सरफेस लिया, टेबल ले लो, कुछ भी ले लो, और उसके ऊपर मैंने थोड़ा लिक्विड डाल दिया और सोचो लिक्विड का ये शेप आ गया जो दिख रहा है. ठीक है, अभी ये शेप को समझने के लिए आई हैव टू कंसीडर ऑल द इंटरफेस. यस यस यस, हमें सारे इंटरफेस कंसीडर करने पड़ेंगे ये शेप को समझने के लिए. सारे इंटरफेस का मतलब क्या है? लास्ट लेक्चर में हमने क्लियरली बोला था कि फोर्स ड्यू टू एयर नेग्लेक्ट कर, पर अभी नहीं, अभी अपने को कंसीडर करना पड़ेगा एयर का फोर्स. तो टोटल तीन इंटरफेस बनेंगे, सॉलिड का दिख रहा है, एक लिक्विड का और एक एयर का. तो तीन इंटरफेस बन रहे हैं, तो तीन इंटरफेस से तीन फोर्स लगेंगे. लिक्विड एयर जो इंटरफेस है, लिक्विड एयर का जो इंटरफेस है, लेट अस से वहां पे जो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन है लेट दैट बी T3. तो T3 इज द फोर्स, चाहिए तो लिखो राइट डाउन, T3 इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एयर इंटरफेस. T2 सॉलिड और एयर इंटरफेस में और T1 लिक्विड और एयर इंटरफेस में, सॉरी लिक्विड और सॉलिड इंटरफेस में. ठीक है, तो तीनों को मैं डायग्राम में एकदम अच्छे से दिखाते वक्त मैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट का यूज करूंगा. तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे आप देखो T1 कैसे लग रहे हैं, देखा ना, T1 देखा मैंने ड्रॉ किया. तो T1 जो फोर्स है वो सॉलिड और लिक्विड के बीच में. T1 जो फोर्स है ड्यू टू सरफेस टेंशन, दिस फोर्स इज ड्यू टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड. क्लियर, अभी T2 फोर्स में बता रहा हूं जो कि सॉलिड और एयर के बीच में बना है, और T3 जो है गारंटेडली मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, T3 जो है वो लिक्विड और एयर के बीच में. ठीक है, अब बच्चों थोड़ा याद करो, तो टोटल तीन फोर्स लग रहे. चलो ये तो आई थिंक आपको समझ गया रहेगा कि तीनों इंटरफेस कंसीडर किया. फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, सॉलिड लिक्विड में फोर्स कौन सा बना है, T1. सॉलिड लिक्विड में फोर्स कौन सा बना है, T1. सॉलिड एयर में फोर्स कौन सा बना है, T2. और लिक्विड एयर में फोर्स कितना बना है, T3. ओके, और तीनों फोर्स एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में दिखा रहा हूं. कहां पे दिखा रहा हूं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में. अच्छे से देखो, तीनों फोर्स पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट में दिखा है, दो रेड कलर से बता है और T3 वाला ब्लैक कलर से बता है. ठीक है, अभी मुझे बताओ ये जो T3 फोर्स मैंने ड्रॉ किया वो टेंजेंट है कि नहीं लिक्विड सरफेस पे. लिक्विड सरफेस पे जब आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो, याद करो मेरा बात, नोट डाउन करके रखो, लिक्विड सरफेस पे जब टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो सॉलिड के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा, दैट इज एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट. थीटा एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट है. ठीक है, और एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ही हमें समझना है. एक फॉर्मूला बनाते हैं एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का, स्पीयर का शेप समझने के लिए. In order to understand the shape of the sphere, let us find the formula for cos theta. Theta मतलब मेरे लिए वो एक supreme formula है, एक जबरदस्त वाला formula. तो अभी एक काम करते हैं, इसको थोड़ा equilibrium समझते हैं इसका. अभी drop तो form हो गया, मतलब drop rest में मतलब resultant net force उसके ऊपर कितना है, zero है. ड्रॉप तो फॉर्म हुआ है, तो वो नेट फोर्स समझने के लिए मैं T3 को रिजॉल्व करता हूं. ठीक है, तो चलो T3 को रिजॉल्व करते हैं, जिसके साथ थीटा वो है कॉस, जिसके साथ थीटा नहीं वो है साइन. ठीक है, तो देखो हॉरिजॉन्टल वाला T कॉस थीटा बन गया और वर्टिकल वाला T साइन थीटा बन गया. अब मुझे बताओ वर्टिकल वाला T साइन थीटा वेट को बैलेंस करेगा, वो तो चला गया, T साइन थीटा वेट को बैलेंस कर गया, पर हॉरिजॉन्टल में T2 उधर खींच रहा है, T1 और T3 cos theta इधर खींच रहे हैं, पर लिक्विड तो रेस्ट में, लिक्विड तो इक्विलिब्रियम में. तो लिक्विड अगर इक्विलिब्रियम में, मतलब गारंटेडली ये फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस. ठीक है, तो
तो इक्विलिब्रियम कंडीशन थोड़ा समझ के लेते हैं। तो व्हेन आई से लिक्विड इज एट इक्विलिब्रियम, लिक्विड इज एट रेस्ट, मतलब ड्रॉप फॉर्म हो चुका है, ड्रॉप ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। तो T2 और T1 प्लस T3 cos थीटा एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट लिखने में आई थिंक इट इज वेरी क्लियर टू यू, आपको समझ में आया कि T2 उस तरफ है, T1 प्लस T3 cos थीटा इस तरफ है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो थीटा का फॉर्मूला निकालना है, T1 को उधर लेके जाओ तो T2 माइनस T1 हो जाएगा और T3 डिनोमिनेटर में जाएगा, तो cos थीटा का फॉर्मूला बनेगा T2 माइनस T1 अपॉन T3। लर्न कर दो भाई, फॉर्मूला को लर्न कर दो, cos थीटा का फॉर्मूला है, ओके, cos थीटा का फॉर्मूला इसको याद रखो, ओके, दैट इज T2 माइनस T1 अपॉन T3, ओके। तो थोड़ा आगे चला गया था, फिर ज्यादा पीछे चला गया, फिर मैं वापस पॉइंट पे आ गया। तो इट इज T2 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक है बच्चों। अब मुझे बताओ cos थीटा का आंसर अगर पॉजिटिव है, ओके, आई डोंट नो आपको मैथ्स कितना आता है, मैथमेटिकली आप कितने स्ट्रॉन्ग हो, ट्रिग्नोमेट्री में आप कितना आता है, पर सोचो अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो थीटा होता है एक्यूट एंगल, मतलब 0 और 90 के बीच में cos पॉजिटिव में चलता है, 90 और 180 के बीच में cos नेगेटिव में चलता है, ओके, याद रखो cos थीटा पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल बन रहा है थीटा, cos थीटा नेगेटिव मतलब थीटा ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ये पॉइंट क्लियर हो गया। फिर मैक्सिमम वैल्यू थीटा की कितनी है, 1 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबली इनवैलिड हो जाएगा, 1 से ज्यादा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इनवैलिड हो जाएगा। पॉइंट याद रखोगे, cos थीटा अगर पॉजिटिव मिला दैट मींस थीटा एक्यूट है, cos थीटा अगर नेगेटिव मिला मतलब थीटा ऑब्ट्यूस है, और cos थीटा 1 से ज्यादा मिलेगा तो इनवैलिड हो गया। सिर्फ डायग्राम को देख के बताओ, मतलब चलो डायग्राम फॉर्मूला को देख के बताओ कि कभी cos थीटा इनवैलिड हो जाएगा, सोच के देखो कभी वैल्यू इनवैलिड हो जाएगा जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा रहेगा। सोचो ना, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो आंसर 1 से बड़ा आता है, ये तो पता है ना, ये तो सिंपल चीज है, न्यूमरेटर अगर बड़ा है, डिनोमिनेटर अगर छोटा है, तो आंसर 1 से बड़ा आएगा और cos का आंसर 1 से बड़ा नहीं चाहिए। तो याद रखो न्यूमरेटर हमेशा छोटा चाहिए डिनोमिनेटर से। अलग अलग केसेस करते हैं, चलो पहला केस करते हैं। पहले केस में हम कंसिडर कर रहे हैं T2 T1 से बड़ा है, इधर ही बात खत्म हो गया, T2 T1 से बड़ा है, बताओ cos थीटा पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, आप देख के बताओ, T2 T1 से बड़ा है, सुप्रीम फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि cos थीटा पॉजिटिव आएगा। हाँ, पर दूसरा केस कि T2 माइनस T1 कंपलसरी T3 से छोटा होना चाहिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, तो ही 1 के अंदर का आंसर आएगा, बात समझ में आ रहा है, न्यूमरेटर छोटा चाहिए डिनोमिनेटर बड़ा चाहिए। तो cos थीटा मेरे को लग रहा है बच्चों आपको समझ में आ गया रहेगा, cos थीटा पॉजिटिव है, थीटा एक्यूट है। अगर मैं दूसरा केस लेता हूं, अगर T1 T2 से बड़ा हो गया, अगर T1 T2 मतलब लिक्विड और सॉलिड में ज्यादा फोर्स लग रहा है, अगर T1 T2 से बड़ा हो गया, अभी T1 T2 से बड़ा हो गया तो cos थीटा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, हाँ या ना, सोचो T1 बड़े नंबर को छोटे नंबर से माइनस करोगे तो आंसर माइनस में ही आना है, तो T2 माइनस T1 करोगे, T1 बड़ा है T2 छोटा है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ऊपर से न्यूमरेटर, मुझे ये केस तो मेरे को रखना ही है भाई, न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, तो cos थीटा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, आप देखो, और अपना जो एंगल है वो ऑब्ट्यूस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस। अगर T2 माइनस T1 इसका आंसर इक्वल टू T3 आ गया, अगर T2 माइनस T1 इसका आंसर इक्वल टू T3 आ गया बच्चों, तो गारंटीडली cos थीटा की वैल्यू 1 होएगा और थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ओके सॉरी आई एम वेरी सॉरी, थीटा हो जाएगा 0, ठीक है, थीटा कितना हो जाएगा 0, 90 नहीं, थीटा का एंगल नियरली, क्योंकि cos 0 का वैल्यू 1 है, cos 0 का वैल्यू क्या है 1, तो थीटा 0 हो जाएगा। और अगर T2 माइनस T1 मतलब न्यूमरेटर T3 से बड़ा हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये गलत केस हो गया, ओके, सो cos थीटा ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, एंड इफ cos थीटा ग्रेटर देन 1 इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज व्हाट आई कैन से कि वो लिक्विड ड्रॉप फॉर्म ही नहीं हो सकता। तो पहला, दूसरा और तीसरा केस में लिक्विड ड्रॉप फॉर्म होगा, ठीक है। पहले केस में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट बन रहा है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट बन रहा है, मतलब आप ले लो कि आपने एक वाटर को ग्लास पे डाल दिया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट, ये जो डायग्राम दिख रहा है उसका ही है, ठीक है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूस हो गया, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूस हो गया मतलब क्या हो गया, यस, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ऑब्ट्यूस हो गया मतलब क्या हो गया, मर्क्यूरी को ले लिया, ठीक है। तो मुझे लग रहा है अभी मैं आपको एक फोटो दिखा तो आपको उसमें सब क्लियर हो जाएगा, ये अच्छे से नोट डाउन करो कि ये सारा चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से एकदम अच्छे से नोट डाउन करो, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट एक
सिंपल आपको एक डायग्राम बताता हूँ, तो ये डायग्राम को अच्छे से देखो, मुझे लग रहा है काफी पॉइंट आपका क्लियर हो जाएगा कि लिक्विड का शेप कैसे फॉर्म होने वाला है। तो लिक्विड का शेप हमेशा तीनों इंटरफेस पर डिपेंड करता है, T1, T2 एंड T3, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड एयर, लिक्विड एयर, तो ऐसे शेप बनते हैं। वो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया, दिस इज व्हाट यू सपोज टू स्टडी इन दिस टॉपिक, शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप। ठीक है, तो ये सारे ड्रॉप्स के शेप कौन से कंडीशन पे बनेंगे मैंने आपको एकदम क्लियरली बता दिया है। ठीक है, वो मेन सुप्रीम फॉर्मूला याद रखो और कंडीशन याद रखो, बस बाकी कुछ याद रखने का जरूरत नहीं है। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द लाइटेस्ट टॉपिक, इजिएस्ट टॉपिक टू अंडरस्टैंड। प्लीज नोट डाउन, लर्न एज इट इज, दिस इज द फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। ओके, बोर्ड एग्जाम में इतना चांसेस नहीं आने का, बट मालूम होना चाहिए, आप करके जा सकते। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।